बहुत बढ़िया। कोई है जिसको एक घंटे से ज्यादा लगा है आने में? मेरे एक घंटे से ज्यादा, सर ने थोड़ा डिसेंटली बता दिया। बिल्कुल, जिस तरीके का प्रोजेक्ट बना है, जिस तरीके का काम देखा है, मतलब ट्रेलर अगर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी, ये जिज्ञासा बहुत एकदम जाग गई है। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हिला देने वाला सब्जेक्ट है और जिस तरीके से शूट किया है, मैं उसको दाद देता हूँ कैमरामैन को भी और आपकी पूरी टीम को। और जिस तरीके का घर है, वो घर भी कमाल की वैसी दास्तां सुना रहा है। मतलब सेट अपने आप में जो है, जो मेरे ख्याल से आप ही का घर है, तो बहुत ही चुनिंदा सही मतलब चुनाव है घर का भी। और जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग और विजुअल्स जिस तरीके के किए हैं, बहुत कम फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज इसका ट्रेलर लॉन्च है और ये खड़े हैं सारे तो मीडिया है, तारीफ करनी ही है, लेकिन वाकई में इसने हिला के रख दिया है प्रोमो ने, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है कि पिंजरे की तितलियां, टाइटल भी कमाल है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये जितनी भी तितलियां हैं एक पिंजरे में, ये भाई साहब के पिंजरे में बंद हैं, भंवरे आते रहते हैं थोड़ा सा ऐसा, लेकिन इतना खतरनाक होगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने इसकी तारीफ सुनी थी पहले, मैंने इसके शॉर्ट फिल्में देखी हैं पहले। मैं इसका मतलब वैसे ही दीवाना हूँ, बहुत बहुत फ़ैन हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसकी शॉर्ट फिल्में देखी हैं जो कि इतने कम समय में, इतना छोटे से पीरियड में, गागर में सागर जिसको बोलते हैं कहानी कहना, तो इस पिंजरे की तितलियों का इंतज़ार मेरे को बहुत मतलब बेसब्री से रहेगा। मैं ज़रूर देखूँगा, जहाँ भी होगा खूब प्रमोशन करूँगा, जितना हो सकेगा, जहाँ भी हो सकेगा हर जगह इसको मैं प्रमोट करूंगा। क्योंकि ये अंदर से निकली हुई फिल्म है, अंदर से कलेजे से चीरती, कलेजे को चीरते हुए जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, वो वाले सब्जेक्ट है और वही वाले चीज़ें हैं। डायलॉग भी इसके, हर चीज़, इनका परफॉर्मेंस देख के मैं हिल गया। इतना स्ट्रेंग, इतना स्ट्रोंग है, इतनी स्ट्रेंथ है इनके अंदर कमाल की। तो ये तितलियाँ नहीं, मुझे तो कई बार तो मतलब मुझे लगा ये तितलियाँ नहीं है, ये तो भाई बहुत भयंकर है। तो पावर, पावर ऑफ परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस की जो पावर है वो कमाल है। बहुत ही अभी तक मुझे वो, अब कई दिनों तक ये विजुअल जाएंगे नहीं, वो ब्लड का जाना, एक बूंद से वो जाना, और वो जिस तरीके के विजुअल, वहाँ वो लड़की बाहर निकली है कुछ करके और वो देख रही है सामने, वो सिलबट्टा पड़ा है, ये विजुअल बहुत दिनों तक पेंटिंग की तरह लग रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो मैं अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए, क्योंकि वाकई में ये विजुअल बहुत टाइम तक अंदर रहने वाले हैं, काफ़ी टाइम तक, बहुत दिन लगेंगे इसको निकलने में। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो, और रोनित भाई तुमको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया है जितना भी देखा है, बाकी सबका तो काम अच्छा है ही, तितलियों का तो, भंवरों का भी तो बोलना चाहिए भाई। तो सबको बहुत बहुत बधाई, तरन को भी बधाई, आपको भी अभिषेक को, सबको बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। 10 में से 10 नंबर हैं, 15 वाले 15% जो है पॉइंट 15 वो क्यों रखते हैं, ताकि हमको कोई बेवकूफ ना समझ ले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रियली जी। पहले आप सर से आप कर लो बात, मैं खड़ा हूं, आई एम हियर ओनली। तो नहीं, बता बता, मैं भी सुनना चाहता हूं, आप बताइए तो क्या आप कर रहे हैं। मैं सुनना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव है, एक्चुअल में सेंसिटिव है। मैं जो आपसे, बिकॉज आज के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा
महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, लेकिन सशक्तिकरण इन व्हाट सेंस अगर हम बात करें कि क्या वो सिर्फ आर्थिक आधार पर है या सिर्फ जेंडर रोल्स की बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे मैंने उसमें भी कहा कि घर आराम गाह होती है किसी के लिए भी। आप घर का जैसे सोचते हैं तो आपको एक सुकून के बारे में महसूस होने लगता है, लेकिन ये कैसे एक घर ही ऐसी जगह है जो नर्क से भी बदतर है। आप समझ रहे हैं कि एक घर है जिसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, देयर इज़ अ प्रोस्टिट्यूशन इन द हाउस, और वो भी उनके घर के मेम्बरान ही वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वो अपने आप में एक शॉकिंग है कि ये आप अपना घर छोड़ के कहीं जा सकते हैं, लेकिन आप जिस घर में रह रहे हैं वहीं सब कुछ हो रहा है, तो आप कहाँ जाएँ? तो आपको जाने के रास्ते नहीं, वो सब कुछ बंद है। तो ऐसे एक्चुअल में बहुत इंडिया में बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है। जहाँ से मुझे ये जो सब्जेक्ट मिला, मैं राजस्थान में मैंने मेरी स्कूलिंग की है 9वीं से जो 12वीं है, उस दौरान मैं काफ़ी इस तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई या इस तरह की चीज़ें हुई जिन चीज़ों ने मुझे, जब जो चॉइस की बात है, मतलब जो मैं अगेन ही बात करता हूँ, आज के हम चॉइस की बात करते हैं कि जो नो मीन्स नो, यस मीन्स यस की जो एक पॉइंट है, उस पर इनके पास वो ऑप्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई उस घर में रहने वाला व्यक्ति वही सब करेगा जो घर के बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बैठना चाहती, बट उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं है कि वो हट भी नहीं सकती। मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ, ट्रेलर देख के ही मुझे घुटन हो गई इस घर से, घुटन हो गई वाकई। तो फिल्म देख के क्या हाल होगा, मतलब वो ये सही में बिल्कुल ऐसा लगता है जेल के अंदर है यार, क्योंकि आप इसको कोई भी बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज ये था कि हम एक घर में कि आपको घुटन महसूस करा दें, कि आपको लगे अरे यार ये इससे बाहर कैसे आऊँगा, बिकॉज हमारे कैरेक्टर्स भी बाहर नहीं आए और वो कहीं उनको रास्ता भी नहीं। तो दैट्स द होल पॉइंट। सर देखिए, अभी मैं हरियाणा से हूँ एंड हरियाणा में रोहतक मेरा घर है, और सर खुद एक फीचर फिल्म बना चुके हैं, यशपाल सर, उनकी जो फीचर फिल्म दैट इज़ इन अ रीजनल एंड दादा लक्ष्मीचंद। तो वो फिल्म इन्होंने, बेशक ये एक नामचीन कलाकार हैं, यहाँ बॉम्बे में स्थापित हैं, सारी चीज़ें हैं इनके पास, लेकिन एक रीजनल पॉइंट पर जब जाकर आप काम करते हैं, उस मिट्टी में जाकर काम करते हैं, तो वो मुश्किलें उधर भी हो जाता है। तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट कलाकार ये भी हैं अगर आप देखेंगे तो, जितना मुश्किल इनके लिए रहा होगा उतना मुश्किल हमारे लिए भी रहा होगा। पर बात ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट से झूठ ना बोले, बिकॉज ही वॉज मेकिंग अ बायोपिक, आई एम ऑल्सो मेकिंग अ बायोपिक फॉर अदर्स, मतलब मेरा ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इनके पास जो है वो भी एक कैरेक्टर का ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये है मुश्किल दोनों के लिए। बट इंडिपेंडेंट फिल्मों को सपोर्ट करना ये तो जनता के हाथ में, अगर आप इसे देखें, बिकॉज क्रिएटर का कोई एक लिमिट नहीं होता। मतलब आपको आज शायद ये सब्जेक्ट आपने सोचा होगा बड़ा मुश्किल रहा होगा, अभी कितना मुश्किल हो गया उसको बनाने में, करने में उस प्रोसेस को, उतना मेरे और आपका भी बहुत हेल्प चाहिए इसे। बिल्कुल ये है, मतलब ये इन सब्जेक्ट्स पर पब्लिक इज़ द मेन, मतलब अगर आप ये देखेंगे कि इवन द मीडिया इज़ देयर, कि अगर वो इसके बारे में बात करना चाहती है तो लोग भी बात करेंगे, तो मतलब वो इक्वल हम लोग एक ही पेज पर है। ये नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा करना है या आपको कुछ कम करना है, तो हमें वही दोनों चीज़ें। या प्लीज़ मोहन कान जी, जिन्होंने खब्बी खान का कैरेक्टर किया, एंड आई एम सो थैंकफुल कि इन्होंने सिर्फ मेरा स्क्रीन प्ले सुनकर मुझे यस कहा। तितलियों के पिताजी। तो खब्बी खान जी ने मेरा सिर्फ स्क्रीन प्ले नरेशन के बाद ही सेड यस टू मी। मैंने उनको वो सारी समस्याएं बताई कि बीइंग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मेरे पास उस तरह से बजट नहीं है, या मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं। और आप कमाल की बात देखिए, हरियाणा में जून की गर्मी में हमने ये फिल्म किया, इट इज़ लाइक 44 to 45 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। 48 आई थिंक इट वॉज 48 सारा क्यों बता रहे हैं, 48 भी बता दिया। चैलेंजिंग था, अरे वो मेमोरेबल है, वो भूल नहीं सकते। वो बिल्कुल हमें उस समय सर के लिए ट्रॉमेटिक लग रहा था। सारी अच्छी फिल्में 48 डिग्री में ही होती है। लगान थी, लगान हो, दादा लक्ष्मी हो, पिछलियाँ हो, सब। तो दिस इज़ द हार्ड कोर की आर्टिस्ट का जो आपको एक सपोर्ट मिला, एंड बीइंग अ सीनियर, बिकॉज मैं न्यू कमर हूँ, एंड आई एम ऑल्सो लाइक, ठीक है, मैं एक फिल्म स्कूल से पास आउट हूँ जहाँ सर ने हमारी शॉर्ट फिल्म्स को भी देखा है, कभी रिव्यू किया, बिकॉज इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। लेकिन अब हम देखें कि हरियाणा से लोग निकल रहे हैं एंड इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसी में जब सर इज़ अ वेरी सीनियर गाय एंड इज़ ऑलरेडी वर्किंग, मतलब इन्होंने जो अभी करंट मीडिया में भी जो काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, उनकी फिल्में लव हॉस्टल आप देख सकते हैं, इज ऑलरेडी प्लेइंग अ ग्रेट वाइटल रोल। तो इन्होंने काफ़ी सारे काम किए, उसके बावजूद एक नए आदमी को सपोर्ट कर दिया,
तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि सर आप एक आर्ट को कोई बायस नहीं हो रहा है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, तो ही इज लाइक आई एम वेरी मच थैंकफुल। फिलहाल तो बहुत चैलेंज था इसको लेके, इस फिल्म को लेके, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, जाट फैमिली से हूँ, इस किरदार को करना और इसकी परमिशन मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, लेकिन फैमिली का सहयोग था मेरे साथ, भाई था, मम्मी पापा थे, तो मैं कर पाई इस चीज़ को। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ करना है। मैं आशीष एक फिल्म के सेट पे हम लोग मिले और वहाँ से हमारी बातचीत हुई, आशीष ने मुझे कहानी बताई तो मुझे लगा कि ये कहानी करनी चाहिए। उसके बाद मैंने घर पे डिस्कस किया तो उनको भी लगा कि हाँ ये कहानी करनी चाहिए। तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था और ऐसा चैलेंज मेरे को हो रहा था मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया था। लेकिन एक जो डायरेक्टर होता है वो एक जादू की छड़ी होती है, वो मैजिक करती है और एक्टर कुछ और ही हो जाता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस कर पाऊँगी और ये सब चीज़। जैसे उसने मेरे को ब्रीफ किया कैरेक्टर को, रीडिंग हुई हमारी उस पर, तो मैं भी अब शॉक थी कि हाँ भाई इतना अच्छा निकल गया है। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये फिल्म से, इस फिल्म से जुड़ने का बहुत बड़ा रीज़न था आशीष सर और उनका नरेशन। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उस स्क्रिप्ट में हम एक कैरेक्टर के इमोशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं या कुछ, हम लोग सोसाइटी को कुछ देने की बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसे एक स्क्रिप्ट में, और आशीष नेहरा सर का मैंने काम देखा हुआ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी भी आप देख रहे हैं जैसे ट्रेलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली हम सबको जोड़ने वाला आशीष है। बिल्कुल, और हम ये पांच कैरेक्टर जो है वो बहुत ही खुश हैं इस कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी का मिलेगा, उस कंट्रीब्यूशन में एक हिस्सा। श्रीवास्तव जी बोले पूछिए। हाँ थिएटर में करेंगे रिलीज, हम कुछ थिएटर में रिलीज करेंगे। आसान तो कुछ भी नहीं होता है, आसान क्या है, कुछ भी नहीं है, सब मुश्किल है। करेंगे लेकिन नहीं नहीं, हमेशा आर्टिस्टिक फिल्म नहीं, रियलिस्टिक के अलावा भी बनाते हैं, इनके जोन कमर्शियल भी काफ़ी लिखते हैं। ये राइटर भी बहुत अच्छे हैं, एक्टर भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। सर कर चुकी हूँ उसके साथ पहले एक शॉट। हाँ दूसरी बात हो चुकी है। थैंक यू सो मच।